C program with respect to employee salary operations. Employee salary के respect में अगर supposed आपके पास किसी भी employee की regarding में basic salary available है, then basic salary के basis पर calculate करना gross salary of the employee. What is mean by gross salary? Gross salary of any employee is equivalent to total basic salary plus HRA. Means some allowances, human resource allowance or DA, daily allowance or some other allowances, whatever available or provided. इन सभी के सम को आप consider करेंगे as a gross salary of the persons. लेकिन currently given specifications के according gross salary calculate करना based on given parameters. Given parameters क्या in our case, write a C program to input basic salary of the persons. बेसिक सैलरी कीबोर्ड से एंटर कराएंगे एज अ इनपुट इनपुट बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई एंड कैलकुलेट ग्रोस सैलरी ग्रोस सैलरी गिवन पैरामीटर्स के बेसिस पर कैलकुलेट कराना है देन कैलकुलेट ग्रोस सैलरी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस और गिवन स्पेसिफिकेशंस गिवन कंडीशंस क्या है अगर गिवन एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी अगर 10,000 से लेस है 10,000 के इक्विवेलेंट है देन इस केस में कैलकुलेट क्या करना एचआरए और डीए एचआरए कैलकुलेट होगा 20% ऑफ बेसिक सैलरी डीए कैलकुलेट होगा 80% ऑफ बेसिक सैलरी सेम एज बट सपोज अगर एम्प्लॉय सैलरी 10,120 के बिटवीन में देन इस केस में एचआरए कैलकुलेट करेंगे 25% डीए कैलकुलेट करेंगे 90% ऑफ बेसिक सैलरी सेम है अगर बेसिक सैलरी 20,000 के अबो है तो इस केस में एचआरए कैलकुलेट कराएंगे 30% एंड डीए 95% मींस इस केस में गिवन क्या ओनली बेसिक सैलरी के बेसिस पर टू फैक्टर्स कैलकुलेट कराना है एचआरए एंड डीए ओनली टू टाइप्स के अलाउंस के लिए कैलकुलेट करना है एचआरए एंड डीए देन इन तीनों का सम करा के ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करना पॉसिबल है इस प्रोसेस में टोटल वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड हैं फोर वेरिएबल्स फोर प्रोवाइडिंग बेसिक सैलरी स्टोरिंग एचआर स्टोरिंग डीए एंड स्टोरिंग ग्रोस सैलरी फर्स्ट वन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड देयर आर फोर वेरिएबल्स इस केस में वेरिएबल्स का टाइप अगेन यूज करेंगे एज अ फ्लोट बिकॉज डिवीजन ऑपरेशंस परफॉर्म डिवीजन ऑपरेशंस का रिजल्ट डेसिमल नंबर्स में जनरेट होने के चांसेस हैं वेरिएबल्स आर जी एस ग्रोस सैलरी बी एस बेसिक सैलरी एच आर ए एंड डी ए ह्यूमन रिसोर्स अलाउंस एंड डेली अलाउंस देर आर फोर वेरिएबल्स नेक्स्ट वन रीडिंग इनपुट्स इनपुट्स किसके लिए रीड कराना ओनली फॉर बेसिक सैलरी प्रिंट एफ एंटर बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई एंटर बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई देन इनपुट्स को रीड करने के लिए यूज करेंगे स्कैन एफ फंक्शन स्कैन एफ परसेंटाइल डी परसेंटाइल एफ ही होगा बिकॉज वेरिएबल्स का टाइप क्या है फ्लोट परसेंटाइल एफ देन एड्रेस ऑफ बेसिक सैलरी और एम परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी नेक्स्ट वन बेसिक सैलरी अवेलेबल है देन अब कैलकुलेट क्या करेंगे इसके जस्ट बाद एच आर ए और डी ए लेकिन एच आर ए और डी ए सभी केसेस में ऑल केसेस में सेम है डिफरेंट डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट इसे डिपेंड करेगा व्हाट इज द गिवन बेसिक सैलरी तो फर्स्ट वन बेसिक सैलरी के केस में फर्स्ट कंडीशन क्या है इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन इक्वल्स टू 1000 फर्स्ट कंडीशन इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन इक्वल्स टू 1000 सॉरी 10,000 देन अगर एक करेंट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इस केस में एच आर ए कैलकुलेट करेंगे एच आर ए इक्वल्स टू 20% ऑफ बेसिक सैलरी 20% ऑफ बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी किसी भी नंबर का परसेंटेज कैलकुलेट करना है परसेंटेज कैलकुलेट करने के प्रोग्राम्स ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए थे ड्यूरिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर किसी भी नंबर का परसेंटेज कैलकुलेट करना देन
नंबर मल्टीप्लाई बाई रिक्वायर्ड परसेंटेज, अगर इसका 20% कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करें, 0.20, इट इज इक्वलेंट टू 20%। अगर 5% कैलकुलेट करना है नंबर इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई बाई 0.05, इट इज 5%। करेंट केस में HRA कितना कैलकुलेट कराना है, 20%। अगर एक गिवन कंडीशन ट्रू है, कंडीशन क्या करंट केस में, इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन इक्वल्स टू 10,000 देन HRA इक्वल्स टू 20% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई 0.20। ये सिंपली इससे बेसिक सैलरी का कितना परसेंटेज कैलकुलेट होगा, 20% HRA। सेम एस DA कैलकुलेट कितना कराना है, 80%। इस गिवन सिचुएशन में DA कितना गिवन है, 80% ऑफ बेसिक सैलरी, देन बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.80 और सिंपली 8 दैट वन। बट सपोज दैट अगर इफ कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है देन अप्लाई क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ बेसिक सैलरी इज बिटवीन गिवन रेंज, तो इस केस में कंडीशन रेंज के बेसिस पर अप्लाई करना। व्हाट इज द मिनिमम रेंज हियर, मिनिमम रेंज इज 10,001। अगेन एल्स इफ कंडीशन क्या है इस केस में, कंडीशन रेंज के बेसिस पर अप्लाई करना, देन इफ बेसिक सैलरी मिनिमम रेंज अप्लाई यूज करेंगे बाय यूजिंग ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर। इस केस में टू ऑपरेटर्स यूज करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिकॉज इस केस में टोटल कंडीशंस कितने होंगे, टू कंडीशंस, मिनिमम कंडीशन मैक्सिमम कंडीशन। मिनिमम कंडीशन क्या है, बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,001, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, एंड मैक्सिमम कंडीशन इज बेसिक सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 20,000, लाइक दैट। अगर इनमें से दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, बिकॉज इसको कंबाइंड किससे किया, एंड से, इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन अगेन कैलकुलेट करेंगे HRA। इस केस में HRA कितना परसेंट गिवन है, 25, एंड DA गिवन है 90%। सर HRA इक्वल्स टू 20% ऑफ बेसिक सैलरी, प्रीवियस केस में कितना गिवन था 20, इस केस में कितना है 25, कैलकुलेट कितना करना है इस केस में 25, एंड DA इक्वल्स टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज कितना गिवन है इस केस में 90%, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 90 और सिंपली 9, बोथ आर सेम। देन सपोज दैट अगर बेसिक सैलरी गिवन है 25,000 के केस में फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स होगा, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स होगा, देन अप्लाई क्या करेंगे, थर्ड कंडीशंस। करंट केस में थर्ड कंडीशन क्या गिवन है, देन इसी प्रोग्राम को नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करना है। देन एल्स इफ के बाद क्या है, एल्स इफ ग्रेटर देन 21,000, इस केस में डायरेक्टली कंडीशंस अप्लाई करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली इस केस में अप्लाई करने आ जाए else के केस में डायरेक्टली क्या, वो मिस अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है देन इस केस में बेसिक सैलरी कितना हो ग्रेटर देन 20,000, देन इस केस में कंडीशन से अप्लाई करने की नीड नहीं है। देन HRA, कैलकुलेटिंग HRA इक्वल्स टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 30% मीन्स 0.30 और सिंपली 0.3। DA कितना प्रोवाइड करना है इस केस में, 95% ऑफ बेसिक सैलरी मीन्स 0.95। एंड फाइनली डिस्प्लेइंग देन, अब आपके पास बेसिक सैलरी भी अवेलेबल है, HRA भी अवेलेबल होगा, DA भी अवेलेबल है, देन इसके जस्ट बाद आप कैलकुलेट क्या करेंगे, ग्रोस सैलरी रिक्वायर्ड क्या एग्जैक्टली, ग्रोस सैलरी। तो ग्रोस सैलरी के रिस्पेक्ट में इसका फैक्टर क्या रहा है, ग्रोस सैलरी इज इक्वेलेंट टू बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA, देन डिस्प्लेइंग प्रिंट एफ योर ग्रोस सैलरी इज परसेंट 0.2F, देन डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ GS अकॉर्डिंग टू गिवन HRA एंड DA। अगर HRA और DA इंफॉर्मेशन में डिस्प्ले कराना है,
इन डिस्प्ले कराएंगे एज अ सेपरेटली। ग्रोथ सैलरी के जस्ट बाद एच आर ए, यू आर रिसीविंग एच आर ए ऑफ द ग्रोथ सैलरी और बेसिक सैलरी। देन अगेन पॉइंट टू, मीन्स पॉइंट टू है इसका डेसिमल के जस्ट बाद ओनली टू प्लेसेस या टू पॉइंट डिस्प्ले होंगे अप टू टू डेसिमल प्लेसेस। देन एच आर ए नेक्स्ट वन डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ डी ए, प्रिंट एफ डेली अलाउंस इक्वल्स टू परसेंट परसेंट डॉट टू और पॉइंट जीरो पॉइंट टू एफ, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा इसके, इसमें डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ डी ए। दिस इज द प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग ग्रोथ सैलरी बेस्ड ऑन गिवन सैलरी इंफॉर्मेशन।